नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक टॉपिक पिवट्स एंड कॉलर्स की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स समझेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर इस वीडियो को देखने से पहले उसकी स्टडी कर लें, ताकि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पिवट्स एंड कॉलर्स की थ्योरी। देखिए, पिवट्स एंड कॉलर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बियरिंग्स क्या होते हैं। बियरिंग एक मैकेनिकल पार्ट होता है जो कि दूसरे मैकेनिकल पार्ट को सपोर्ट करने के काम में लिया जाता है। दूसरा मैकेनिकल पार्ट क्या होता है? वो एक शाफ्ट हो सकती है जो कि पावर ट्रांसमिट कर रही है, या जैसे एक रेसिप्रोकेटिंग रैम हो सकता है, उसे भी हमें सपोर्ट करना होगा। तो यानी एक लीनियर बियरिंग भी हो सकता है और एक सर्कुलर यानी रोटेशनल बियरिंग भी हो सकता है। तो बियरिंग क्या चीज हो गई? बियरिंग एक मैकेनिकल पार्ट हो गया जो कि किसी दूसरे मैकेनिकल मूविंग मैकेनिकल पार्ट को सपोर्ट करता है। यहां पर बियरिंग का सपोर्ट के अलावा एक पर्पज और होता है कि जब एक मैकेनिकल पार्ट दूसरे मैकेनिकल पार्ट में मूव करता है या मोशन करता है तो इनमें फ्रिक्शन होता है। तो बियरिंग का एक महत्वपूर्ण रोल यह भी हो जाता है कि फ्रिक्शन बहुत कम हो। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग वगैरह होती हैं, जिनके बारे में मैं अलग से लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, बियरिंग कौन सी बियरिंग कहां यूज होगी, ये मेनली डिपेंड करता है कि किस तरह का लोड आ रहा है। तो यहां पर हम लोड का जो एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, यानी लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पर पिवट्स एंड कॉलर्स को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि लोड बेयरिंग पर किस तरह से लग सकता है। तो देखिए, इसके लिए मैंने दो फिगर बनाए हैं। ये एक बेयरिंग है, ये बेयरिंग है, यानी इस तरह से एक वर्टिकल वाल मान सकते हैं, उसमें एक होल है जो एक बेयरिंग का काम कर रहा है और उसमें एक शाफ्ट लगी हुई है। शाफ्ट पर कोई भी गियर हो सकता है, पुली हो सकती है, इसे बेल्ट नीचे खींच रही है। तो यहां पर इसका अगर साइड व्यू देखें तो साइड व्यू इस तरह से है, ये बेयरिंग का होल है जिसमें ये शाफ्ट है। तो यहां पर देखिए, मैंने बेल्ट का टेंशन टी नीचे दिखाया हुआ है, तो ये बेल्ट जो है दोनों तरफ से इस शाफ्ट को नीचे खींचेगी, नीचे खींचेगी। तो ये इस शाफ्ट पर लोड किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। एक्चुअली ये नीचे की तरफ नहीं लग रहा है, हम इसे बोलेंगे ये लोड कैसा लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड्स। इस तरह से यो भी हो सकता है, ये यो भी हो सकता है, ये यो भी हो सकता है, नहीं शाफ्ट पर यो भी हो सकता है, तो इधर भी हो सकता है, तो यो भी हो सकता है, यानी किसी भी दिशा में। तो ये दिशा, इस डायरेक्शन को अगर हम कॉमन नाम देना चाहें तो ये नाम क्या कहलाएगा, लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन में, यानी त्रिज्य दिशा में लग रहा है। तो एक तो लोड कैसे लगता है, रेडियल डायरेक्शन में। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम शाफ्ट्स ऐसी लगी हुई होती है मशीनों में जो लोड बियरिंग पर किस तरह से डालती हैं, रेडियल लोड डालती हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ये होती है कि शाफ्ट वर्टिकल होती है, ठीक है, जैसे आटे की चक्की या फ्लोर मिल में होता है या टर्बाइन में हो सकता है। तो जब शाफ्ट वर्टिकल होती है तो इसको सपोर्ट अगर देंगे तो ये कौन सा लोड लेगी, देखिए सारा लोड इस पर अक्षीय दिशा में आ रहा है, यो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये कौन सा लोड हो गया, एक्सियल लोड, यानी अक्षीय भार। ठीक है, तो ये अलग विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार से हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आटा की चक्की होती है, उसमें भी आटे के पार्ट जो होते हैं, चक्की के पार्ट जो डिस्क होती है पत्थर की जो आटे को पीसती है, वो इसके ऊपर यहां पर कसी होती है, तो उनका लोड भी इस पर आएगा, यानी सारा का सारा लोड इस एक्सिस पर आएगा। यहां पर ये लोड था त्रिज्य दिशा में और यहां पर ये लोड है एक्सियल डायरेक्शन में। जब एक्सियल डायरेक्शन में लोड होता है तो हम उसे बोलते हैं एक्सियल थ्रस्ट। तो कोई जरूरी नहीं है कि बियरिंग इस तरह से वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टल बियरिंग भी हो सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि उसमें जो शाफ्ट है इस तरफ उस पर फोर्स लगता है, यानी
इस दिशा में भी फोर्स लग सकता है। ये परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, कई बार टर्बाइन में भी इस तरह से होता है कि एक फोर्स का कंपोनेंट इस तरह से होता है जो कि एक्सियल डायरेक्शन में शाफ्ट को पुश करेगा। तो उस समय पर क्या होगा, ये जो बेयरिंग है ये उस लोड को नहीं सहन कर पाएगी, यानी ये शाफ्ट जो है इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी इधर सरक जाएगी। तो उसके लिए अलग प्रकार की थ्रस्ट बेयरिंग्स यूज की जाती है, जिनको हम बोलते हैं एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग्स। तो यहां पर हमने मोटे तौर पर दो तरह के लोड पढ़े हैं, रेडियल और एक्सियल लोड पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग, एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग का मतलब क्या होता है, बेयरिंग बेसिकली क्या काम आती है, बेयरिंग बेसिकली आती है शाफ्ट को सपोर्ट करने के काम आती है, या यूं कहिए शाफ्ट पर जो लोड आ रहा है उसको बियर करने या सहन करने के काम आती है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था ऊपर एक्सियल लोड यानी एक्सियल थ्रस्ट, तो इस प्रकार के थ्रस्ट को कौन सी बेयरिंग इस प्रकार के थ्रस्ट का लोड लेगी या इस प्रकार के थ्रस्ट को सहन करेगी, उस बेयरिंग को अपन बोलते हैं एक्सियल बेयरिंग। जो एक्सियल बेयरिंग्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती है, पिवट बेयरिंग और कॉलर बेयरिंग। तो इन्हीं को मैंने आगे डिटेल में समझाया क्योंकि पूरे चैप्टर में हम पिवट्स एंड कॉलर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहां पर लिखा भी है या ड्राइंग से भी समझाया है, देखिए ये एक शाफ्ट है जिसके ऊपर एक्सियल लोड आ रहा है, यहां भी ये एक शाफ्ट है इस पर भी ये एक्सियल लोड आएगा, इधर से एक्सियल लोड W आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां बियरिंग शाफ्ट के बिल्कुल एंड पर है, एक एंड पर है, नीचे की तरफ है। जब बियरिंग नीचे की तरफ होता है बिल्कुल उसके एक एंड पर होता है, इस तरह से शाफ्ट टिकी हुई होती है, तब उसको बोलते हैं हम पिवट बेयरिंग, ठीक है। यानी पिवट बेयरिंग कैसी बेयरिंग है, एक एंड बेयरिंग है। और अगर शाफ्ट का जो दूसरा एंड है, एक एंड तो ये है जहां से पावर आ रही है, दूसरी एंड वहां जहां की पावर यूज होनी है, तो अगर इस एंड के आगे भी कहीं ना कहीं आगे शाफ्ट का यूज होना है तब हम ये पिवट बेयरिंग यूज नहीं कर सकते क्योंकि शाफ्ट यहीं खत्म हो गई। लेकिन यदि शाफ्ट को आगे भी कहीं लेके जाना है तो हम पिवट बेयरिंग यूज नहीं कर सकते, उस समय पर हम कॉलर बेयरिंग यूज करते हैं। कॉलर क्या होती है, बेसिकली शाफ्ट के ऊपर एक रिंग चढ़ाई जाती है जो इस शाफ्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी इस शाफ्ट से ये जुड़ी हुई है। तो इस शाफ्ट के ऊपर हमने एक रिंग चढ़ाई है, ठीक है, जो कि इस जो ये होल है, ये एक प्लेट मान लीजिए, प्लेट में एक होल है, होल में शाफ्ट आ रही है। अब चूंकि ये शाफ्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है ये कॉलर, तो ये कॉलर नीचे इस शाफ्ट को आगे नीचे नहीं जाने देगी। यानी यहां इस फिगर से बिल्कुल क्लियर है कि जो W लोड पड़ रहा है वो कौन बियर कर रहा है, ये जो सरफेस है ये एक एनुलस बन गया है, एक ये चारों तरफ शाफ्ट के चारों तरफ एक सरफेस बन गया। तो ये जो सरफेस है ये इस एक्सियल लोड को बियर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बियरिंग को अपन बोलते हैं कॉलर बियरिंग। यहां पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखिए ये इसकी इंटरनल रेडियस, ये इसकी एक्सटर्नल रेडियस। तो बेसिकली इसको अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये इस तरह से एक एनुलस एरिया बनेगा, इस तरह से एक एनुलस एरिया बनेगा, ये वाला यहां से यहां तक ये गोलियों, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये ही सारा का सारा लोड बियर करेगा, न कि ये जो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, ये वाला सिलेंड्रिकल सरफेस किसी भी तरह का कोई भी लोड बियर नहीं करता है। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये जो चारों तरफ का शाफ्ट चारों तरफ का जो ये एरिया है जो सरफेस है, ये कोई लोड बियर नहीं करता है। जो लोड के लोड की डायरेक्शन, ये जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होता है, लोड की डायरेक्शन ये, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एरिया है, तो ये ही दोनों एरिया एक पिवट में और एक कॉलर में लोड को बियर करते हैं। इसलिए लोड बियरिंग सरफेस कौन सा माना जाएगा, ये या ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉलर बियरिंग, इसको बोलते हैं पिवट बियरिंग। इसको भी हम आगे वर्गीकृत करते हैं, देखिए इसकी आकृति के हिसाब से भी हम इसको आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं। यदि पिवट बेयरिंग का जो बेयरिंग सरफेस है जहां पर कि लोड आता है वो फ्लैट है तब हम उसको बोलते हैं फ्लैट बेयरिंग, पिवट बेयरिंग। और अगर वो कोनिकल है यानी इस तरह से तिरछा कटा हुआ है, एक कोन की आकृति यानी शंकु की आकृति का इसका निचला एंड, तो ये जो तिरछी सतह है ये लोड बियर करेगी, तो इस तरह के बियर को बोलते हैं कोनिकल, चूंकि एंड पर है इसलिए पिवट कोनिकल बियरिंग। इसी तरह से
फ्लैट देखिए, कॉलर यहां से फ्लैट है तो फ्लैट कॉलर बियरिंग हो गया, इसको मैं तिकोना या तिरछा भी बना सकता हूं। तो देखिए यहां से कोनिकल हो गया, ये जो तिरछी सतह है ये लोड बियर करेगी, तो ये कौन सी बियरिंग हो गई, कोनिकल कौन सी कॉलर, यानी कोनिकल कॉलर बियरिंग शाफ्ट इसमें आगे भी जाएगी। अब मैं आगे समझाऊंगा आपको कि इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है चारों को, कैसे, वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, यानी इसकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, किन परिस्थितियों में ये काम कर रही है, किन परिस्थितियों में ये काम कर रही है, उसके हिसाब से हर बियरिंग दो परिस्थितियों में काम कर सकती है, एक तो यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन होती है और एक यूनिफॉर्म वियर कंडीशन होती है। ये मैं डिटेल में आने वाले आगे इसी लेक्चर में आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें टोटल कितने केस पढ़ने हैं, सबसे पहले तो पिवट और कॉलर, वो भी दो दो तरह की, फ्लैट कोनिकल, और ये भी सब दो दो केसेस, यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, ये टोटल कितने केस हमें पढ़ने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी हर एक का यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन, हर एक का यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, इस तरह से हमें कुल 8 केसेज इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग कंडीशंस। देखिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा आगे का लेक्चर आपको कंप्लीट लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं? वर्किंग कंडीशंस इस तरह से होती हैं कि जब बेयरिंग हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, चाहे वो कॉलर बियरिंग हो चाहे वो पिवट बियरिंग हो, तो शुरू में वो बियरिंग एकदम नया होता है। नया का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सरफेस है परफेक्ट फ्लैट है, अर्थात शाफ्ट का ये सरफेस और बियरिंग का ये सरफेस एकदम फ्लैट है, फ्लैट है यानी बिल्कुल स्मूथ है। तो शाफ्ट के सरफेस का हर एक पॉइंट बियरिंग के सरफेस के हर एक पॉइंट से बिल्कुल एक सा कॉन्टेक्ट करता है, अर्थात जो कॉन्टेक्ट है वो सब बिंदुओं पर एक समान होता है। ऐसा कब मानते हैं, जब बियरिंग नया है, अर्थात जो भी लोड बियरिंग के ऊपर पड़ रहा है, जैसे डब्ल्यू लोड एक्सियल लोड के लिए काम आती है बियरिंग सारे, तो जो डब्ल्यू लोड है वो हरेक पॉइंट के द्वारा समान रूप से सहन किया जाएगा। अपन क्या मान सकते हैं इसका मतलब कि जो डब्ल्यू लोड है वो प्रत्येक बिंदु पर समान दाब डालेगा। कब, इंपॉर्टेंट चीज है कब, कि जब ये बियरिंग नया है, अर्थात ये जो सरफेस है परफेक्टली स्मूथ है, कोई इसमें इरेगुलरिटीज नहीं है, यानी प्रत्येक बिंदु शाफ्ट के और बियरिंग के सरफेस के प्रत्येक जो पॉइंट्स है वो टच होते हैं, इसलिए हर बिंदु समान लोड लेता है, यानी प्रेशर सेम रहता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कब, जब बियरिंग नया है। लेकिन आगे क्या होता है, ये मैंने यहां पर लिख भी दिया है इसमें सारा, ठीक है। मेटिंग सरफेस जो हैज ऑलमोस्ट परफेक्ट फ्लैट सरफेस, तो ये हो गया यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन, यानी प्रेशर हर बिंदु पर समान होगा। और प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। अब जब बेयरिंग पुराना हो जाता है तो देखिए होता क्या है, ये मैं आपको इस डायग्राम से एक चीज समझाना चाहता हूं कि वियर क्या होता है, यूनिफॉर्म वियर, वियर का मतलब घिसना, घिसाव। जैसे हम सैंड पेपर से किसी लोहे के टुकड़े को घिसते हैं या रेगमाल से लोहे के टुकड़े को घिसते हैं, अब अगर मैं कहता हूं कि आप इसको थोड़ा जल्दी घिसिए, यानी जल्दी इस पर से मटेरियल हटाइए, तो हम क्या करते हैं, या तो प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी जोर से दबाकर उसको, जैसे मान लेते हैं ये एक लोहे का टुकड़ा है और इसको इस एक सैंड पेपर से घिसना है, यानी इसका क्या करना है, इस लोहे के टुकड़े का वियर, तो इस सैंड पेपर से घिसना है, तो या तो हम इसको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बहुत तेज स्पीड से इसको इधर उधर चलाते हैं और घिसते हैं, ठीक है, तब भी इसका ज्यादा मटेरियल हटेगा। और यदि हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएं, और ज्यादा प्रेशर लगाएं रेगमाल या सैंड पेपर के ऊपर और इसको धीरे चलाएं, तो भी इसका जो मटेरियल है वो ज्यादा हटेगा, यानी जो वियर है, यानी जो मटेरियल हटने की जो रेट है, घिसने की जो रेट है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, कि किस स्पीड से ये आपस में रगड़ खा रहे हैं, ठीक है, यानी वेलोसिटी, और दूसरा कितना प्रेशर इन पर इस पर पड़ रहा है, यानी जो रेट ऑफ वियर है, रेट ऑफ वियर वो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ वियर होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना रेट ऑफ वियर होगा। तो देखिए शुरू में जब बियरिंग नया था, जब प्रेशर सब जगह समान था, लेकिन क्या वेग समान था, उसको मैंने इस चित्र से समझाया। इसको यदि मैं नीचे से देखूं तो ये ऐसा एक वृत्ताकार सरफेस, यानी सर्कुलर सरफेस नीचे से नजर आएगा,
ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। इस जो नीचे से देखें तो यानी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दो बिंदु लिए, एक तो मैंने R1 पर, दूसरा मैंने R2 पर। R1 कम है और R2 ज्यादा है। देखिए ये जो शाफ्ट है ये ओमेगा स्पीड से घूम रही है, ये शाफ्ट ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। इस तरह से ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। जब ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है इसका मतलब इस शाफ्ट का जो नीचे की सतह है उसका प्रत्येक बिंदु ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, लेकिन R1 कम है और R2 ज्यादा है, अर्थात बिंदु 1 की रेडियस कम है, बिंदु 2 की रेडियस ज्यादा है। और हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति यानी जिस गति से ये, जैसे इस पेंसिल को मैं चलाऊं तो जिस गति से ये इस कागज पर रगड़ लगाएगी वो गति कौन सी है, इसकी सरल रेखीय गति यानी वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो इस पॉइंट की वी वन कितना हो गया ओमेगा आर वन, इसका कितना हो गया ओमेगा आर टू। यहां से बिल्कुल क्लियर है ओमेगा तो दोनों पॉइंट का सेम है क्योंकि एक ही शाफ्ट पर है दोनों पॉइंट्स और एक ही शाफ्ट है यानी एक ही ओमेगा होगा, लेकिन यहां से आर वन कम आर टू ज्यादा, इसका मतलब ये पक्का है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, ये होगा V2 और ये V1। चूंकि R2 ज्यादा और R1 कम, इसलिए V2 ज्यादा और V1 कम, यानी इसके चलने की रेट, चलने की वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। प्रेशर अभी नई बियरिंग है इसलिए दोनों समान है, तो रेट ऑफ वियर वेग के समान होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब बिंदु दो पर घिसाव ज्यादा होगा और बिंदु एक पर घिसाव कम होगा, क्योंकि देखिए ऊपर से जो दाब पड़ रहा होता है हर बिंदु पर समान है, बियरिंग अभी नया है, तो इसका मतलब यहां पर वेग ज्यादा और यहां पर वेग कम, तो बिंदु दो पर घिसाव ज्यादा होगा। और बिंदु दो कौन सा है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन से यानी शाफ्ट की एक्सिस से ज्यादा दूरी पर है। तो इसका मतलब जब बेयरिंग नया है तो शाफ्ट की एक्सिस से ज्यादा दूरी पर जो पॉइंट है वहां पर घिसाव ज्यादा होगा, यानी वहां पर गैप बढ़ जाएगा, जैसा मैंने यहां पर दिखाया ये गैप बढ़ गया, यही मैंने लिखा है रेट ऑफ वियर एट टू विल बी मोर देन रेट ऑफ वियर एट वन बिकॉज वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, ठीक है। और नया इसलिए पी वन बराबर पी टू, इसलिए ये बाहर से शाफ्ट नई थी, कुछ दिनों बाद क्या होगा या कुछ समय बाद क्या होगा, बाहरी हिस्सा चूंकि वहां पर रेट और वियर ज्यादा था इसलिए वो ज्यादा घिस जाएगा, अंदर का हिस्सा कम घिसेगा, यानी जो अंदर का हिस्सा है इसका वो ज्यादा इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा और बाहर का हिस्सा कम कॉन्टेक्ट में रहेगा, यानी अब जो अंदर के बिंदु है वो लोड ज्यादा लेंगे और बाहर के बिंदु लोड कम लेंगे। अर्थात यहां पर वो शर्त अब पूरी नहीं हो पाएगी कि अगर बियरिंग घिस के पुराना हो गया, घिस घिस कर ये पुराना हो गया है तो प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान समान नहीं होगा। अब चूंकि ये घिस चुकी है तो देखिए जो दूर बिंदु हैं उन पर दाब कम लेकिन दूर वाले बिंदु पर वेग ज्यादा, और रेट ऑफ वियर किस पर निर्भर करती है, दाब और वेग पर। दाब कम और वेग ज्यादा, या उल्टा बोले अंदर वाले बिंदुओं पर दाब ज्यादा और वेग कम, तो दोनों का गुणा बराबर होगा। इसलिए रेट ऑफ वियर जो है वो यूनिफॉर्म, वियर यूनिफॉर्म होगी कब, जब बियरिंग पुराना हो गया है। इसका मतलब जब सवाल में आपको यह कहा जाता है कि बियरिंग पुराना है तो कौन सी कंडीशन हम काम में लेंगे, यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, ठीक है। और अगर यूं कहा जाता है बियरिंग नया है तो कौन सी कंडीशन हम काम में लेंगे, यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन, ठीक है। अब वापस से जब रेट ऑफ वियर मैंने बोला आपको किसके समानुपाती होती है, पी और वी के, तो मतलब अब ये अगर बियरिंग पुराना हो गया है तो एक और दो दोनों पर दाब तो अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन वियर रेट ऑफ वियर जो है वो समान होगा। यहां पर दाब कम, यहां पर दाब ज्यादा, यहां पर वेग ज्यादा, यहां पर वेग कम, लेकिन पी और वी दोनों का गुणा दोनों जगह पर समान होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए रेट ऑफ वियर क्या आ गया, पी वी इज इक्वल टू पी ओमेगा आर, यानी वी की जगह मैंने ओमेगा आर रख दिया। और जो ओमेगा होता है हर एक बिंदु के लिए समान होता है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो चूंकि ओमेगा भी कांस्टेंट है क्योंकि शाफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वियर कंडीशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी आर बराबर कांस्टेंट। यहां ओमेगा भी था लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और कांस्टेंट में भाग देंगे तो वापस कांस्टेंट आएगा, इसलिए दो ही चीज हम लिखेंगे, पी आर बराबर कांस्टेंट। जब भी अपन यूनिफॉर्म वियर कंडीशन लिखेंगे, यानी कौन सी बियरिंग हो गई है, ओल्ड बियरिंग, तो यूनिफॉर्म वियर कंडीशन के लिए शर्त क्या हो गई, पी आर बराबर कांस्टेंट। तो मैं समझता हूं आपको अब बियरिंग की वर्किंग कंडीशंस
किन कंडीशंस में वो काम करती है आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम इसमें एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना क्या चाहते हैं, जब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो बेयरिंग के अंदर बेयरिंग में शाफ्ट घूमेगी तो यहां पर फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन होगा तो पावर का लॉस होगा। मान लेते इधर मोटर है और इधर आउटपुट है, कोई मशीन का गियर चल रहा है यहां से, तो मान लेते हैं यहां से 10 जूल 100 जूल वर्क शाफ्ट को मिलता है तो क्या यहां बाहर हमें 100 जूल मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा। तो मान लेते हैं अगर ये लॉस 10 है तो यहां 100 था तो ये 10 का लॉस हो गया तो हमें आउटपुट कितना मिला? 90। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा, किस चीज का? एनर्जी का। ठीक है, इसलिए हमें अब यहां पर फ्रिक्शन को समझना जरूरी है। तो फ्रिक्शन का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको, डिटेल में आपने इसको मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, यानी हम केवल फ्रिक्शन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, वो हम उतना ही कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का पढ़ेंगे यहां पर जितना कि इस चैप्टर में हमें जरूरत है। तो देखिए इसको मैंने यहां पर समझाने की कोशिश करी है, ये एक फ्लैट सरफेस है जो कि फिक्स है, इसके ऊपर एक बॉडी ए है, ये बॉडी इस दिशा में मूव कर रही है, तो चूंकि बॉडी के का कुछ वेट है तो वो इस पर नीचे की तरफ वेट लगेगा, बॉडी को ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींचेगा, या कोई और भी फोर्स हो सकता है, प्रेशर फोर्स हो सकता है। अल्टीमेटली ये होगा कि ये जो बॉडी है नीचे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो सरफेस जिसके ऊपर ये बॉडी रखी है इसके ऊपर एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगी, कितना? जितना नीचे उतना ऊपर। इस कॉन्टेक्ट फोर्स को जो कि दोनों के, या दोनों कौन, बॉडी ए और सरफेस, इन दोनों के कॉन्टेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये जो सरफेस है दोनों सरफेस के कॉमन नॉर्मल है ये। ठीक है, इस दिशा में कौन सा फोर्स लगता है? आर एन, जिसको हम सही तरीके से तो बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स, लेकिन अधिकांश जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ये नॉर्मल सरफेस रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये आर एन पता होना चाहिए। आर एन क्या है? जो दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में और जिनके बीच में फ्रिक्शन है उनके मेटिंग सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आगे बताऊंगा। अब मान लेते हैं बॉडी इधर चल रही है, कौन सी बॉडी? ए, और ये रुका हुआ है, तो ए पर फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा? ये सरफेस। ठीक है, अब मैं यूं पूछता हूं कि सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा? तो ये बॉडी। और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में लगता है। देखिए यहां पर मान लेते हैं ये बॉडी रुकी हुई है और ये चल रही है, किधर चल रही है? इधर। तो इससे अगर पूछा जाए कि ए किधर चल रहा है तो इधर चल रहा है, यानी इस सरफेस एस, इस सरफेस को मैं नाम एस देख देता हूं, तो इस सरफेस एस के सापेक्ष बॉडी ए किधर जा रही है? इधर जा रही है। इसका मतलब बॉडी ए पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे, रिलेटिव मोशन के पीछे। कौन लगाएगा? एस। वापस से बोले, ए जो है एस के रिलेटिव इधर जा रही है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, कौन लगाएगा? एस। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी यानी हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन होता है। अब अगर मैं ये कहूं कि वैसे तो ए इधर जा रही है, अब ए से ये पूछूं कि एस किधर जा रहा है, तो ए के ऊपर बैठे हुए आदमी को ठीक ऐसा लगेगा एस पीछे जा रहा है, ये ठीक वैसे ही है जैसे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी ये कहता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ए के सापेक्ष एस किधर जा रहा है? पीछे। ठीक है, यानी इसके अपोजिट, ए के सापेक्ष एस किधर जा रहा है? पीछे। तो ए के सापेक्ष एस पीछे जा रहा है तो ए जो है एस पर घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है? रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति के विपरीत। हम कौन सा पढ़ रहे हैं यहां पर? एस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा? ए लगाएगा, क्योंकि ए के सापेक्ष एस इधर जा रहा है। ठीक है, जो भी घर्षण बल होता है उसका मान कितना होता है? एफ इज इक्वल टू म्यू आर एन। आर एन मैं बता चुका हूं, दोनों मेटिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो यानी नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, जो आपको दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहां पर एक जो खास बात है जोर देकर जो मैं आपको बता रहा हूं, फ्रिक्शन में भी पूछ लिया जाता है कई बार कि क्या फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स किसको अपोज करता है? ऑलवेज। देखिए मैंने यहां पर लिखा है फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन कौन सा है यहां पर?
ए अगर इधर जा रहा है तो एस के सापेक्ष ये इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो इसको पीछे की तरह इस गति का रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। वरना क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर समझाया, अभी समझाऊंगा आपको, कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को सपोर्ट भी करता है, यानी वस्तु को चलाने में मदद भी करता है। मोटे तौर पर यदि कोई पूछे आपसे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, तो हम तुरंत कह देते हैं गति का विरोध करता है, यानी मोशन का विरोध करता है, मोशन को सपोर्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है, हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स किसको अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अच्छा, ये फोर्स है किस तरह का फोर्स, कोई पूछ सकता है आपसे, तो ये फोर्स सरफेस फोर्स है, यानी सरफेस जो है वो लगाता है, बॉडी नहीं लगाती, बॉडी का सरफेस लगाता है। अगर सरफेस चिकना होगा तो ये नहीं लगेगा। अब मैंने यहां पर यह समझाने की कोशिश की है कि फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट कैसे करता है। देखिए, यहां पर एक ये फिक्स सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी हुई है। यहां पर क्या कंडीशन है कि ए और बी के बीच में तो फ्रिक्शन है, बी और इस सरफेस एस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी स्मूथ है, यानी इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, यानी ये बी जो है एस पर आसानी से फिसल सकता है। मैंने लिख दिया यहां पर जीरो या वेरी लेस फ्रिक्शन। अब मान लेते हैं कि बॉडी ए पर इधर एक फोर्स लगाया जाता है, तो बॉडी ए किधर चलेगी, इधर चलेगी। ध्यान से देखिए आप कि बॉडी ए इधर चलेगी, अभी सबसे पहले कौन चलेगा इस चित्र के अनुसार, ए, तो बी रुका हुआ है, तो बी के सापेक्ष ए किधर जाएगा, इधर, तो बी के सापेक्ष ए इधर जा रहा है, तो बी जो है वो ए पर किधर बल लगाएगा, सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में, यानी इधर, तो वो मैंने यहां पर दिखाया है। ए पर फोर्स इधर लगा, ए इधर जा रहा था, बी के सापेक्ष इधर जा रहा था, तो ए पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। अब बी की बात करते हैं, तो देखिए ए पहले चला तो बी रुका हुआ था, ए इधर जाएगा, बी रुका हुआ है, तो ए के सापेक्ष बी किधर जा रहा है, इधर। ये ठीक वही ट्रेन वाला एग्जांपल हो गया, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो बी आपको रुका हुआ है फिर भी इधर जाता हुआ दिखेगा। मान लेते हैं आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन इधर जा रही है और ये एक पेड़ है, तो पेड़ आपको इधर ही जाता हुआ दिखेगा। तो सही मायने में क्या है, आपके सापेक्ष यानी ए के सापेक्ष बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब ए जो है बी पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। कितना लगाएगा, जितना ये दो मेटिंग सरफेस के बीच में जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है, यानी अब बी पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। क्यों, मैंने बोला इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इसका मतलब इस पर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और इस पर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इस बॉडी पर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी इस बॉडी पर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या कोई अन्य फोर्स इस पर लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो दोनों के बीच में बहुत स्मूथ है ये दोनों सरफेस, यानी किसी भी प्रकार का यहां पर घर्षण या फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। इसका मतलब यह तय है कि बॉडी पर बी पर एक ही बल लगेगा, वो भी कौन लगाएगा, ए, और वो इस दिशा में कौन सा बल है, फ्रिक्शन फोर्स। तो अब देखिए बॉडी बी इधर चलेगी, आपसे पूछे किसने चलाया, आप कहेंगे ए ने, नहीं ए ने नहीं चलाया इसको, किसने चलाया बी को, बी को चलाया ए के द्वारा लगने वाले घर्षण बल ने। तो यहां पर देखिए बी की गति को सपोर्ट किया, यानी गति की दिशा में ही घर्षण बल लग रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि घर्षण बल गति को सपोर्ट भी करता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे केसेज होंगे, मैंने आपको बोला था कि कंडीशंस के हिसाब से कितनी कंडीशन हो गई, कितनी बेयरिंग हो गई, हम मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेयरिंग्स जो हैं वो कुल मिला के हम 8 केस पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये 8 केस हम यहां पर पढ़ेंगे, पिवट बेयरिंग, फ्लैट कॉनिकल, कॉलर बेयरिंग, फ्लैट कॉनिकल, फिर कंडीशन सब मैं बता चुका हूं, यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन, यूनिफॉर्म वियर, यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म वियर, यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म वियर, यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म वियर, यानी 8 कंडीशंस। इन 8ों कंडीशंस में, 8ों कंडीशंस यहां पर क्या क्या है, 8ों कंडीशंस यहां पर है कि जो यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन में अगर बेयरिंग काम करती है तो घर्षण के कारण ऊर्जा की क्षति कितनी होगी, यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में अगर बेयरिंग काम करती है तो घर्षण के कारण क्षति कितनी होगी। तो इन सभी के जो भी लॉसेस का फॉर्मूले हैं वो हम डेराइव करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।